कैसे सारे, आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो आपकी दहेट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं गाइस, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए एक संजीवनी बूटी के तौर पर काम आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन, तो इससे आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। और ये PDF आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम कुछ पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहले हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। तो ये है गाइस डॉक्टर एलन एम टूरिंग। जो डॉक्टर एलन एम टूरिंग है, उन्होंने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकसित किया था। इसके बाद डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं। तो ये है गाइस इंटरनेट। इंटरनेट को जो है डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके दहेट के लिए, इसलिए अच्छी तरह इनकी प्रिपरेशन करिए। यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए एक जड़ी बूटी के तौर पर ये आपके काम आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना है। तो ये कंप्यूटर का विशेष जो कार्य है, डाटा या सूचना का विश्लेषण यानी एनालिसिस करना और उसे प्रोसेस या संग्रहित करना। इसके बाद विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो ये है गाइस ट्राइडन। जो टाइडर है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। इसके बाद डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो गाइस जो लेज़र प्रिंटर है उसका उपयोग डेस्कटॉप छपाई में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कमांड को जो ले जाने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। इसके बाद ब्लूटूथ तकनीक का कार्य क्या है। तो यह है कि उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार करना। तो गाइस जो ब्लूटूथ का जो ब्लूटूथ एक तकनीकी जो है उसका कार्य जो है कि उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार करना। इसके बाद वाईमैक्स किससे संबंधित है। तो यह है गाइस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो संचार प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित है वाईमैक्स। इसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो खोज हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई थी। इसके बाद कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो यह है बिट्स। तो गाइस जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसका मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। और ये इसका फुल फॉर्म भी गाइस अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसका फुल फॉर्म भी आप अच्छी तरह से याद रखें, यानी WWW का जो फुल फॉर्म है वह है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो यह है गाइस मॉडेम। मॉडेम में आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजे जाने वाला एक उपकरण है। इसके बाद बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो ई गवर्नेंस कहा जाता है गाइस बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। इसके बाद वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आंकड़ा है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। इसके बाद चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखे जा सकते हैं। तो यह गाइस 30 दिन, जो 30 दिन तक रखे जा सकते हैं चित्र संदेश एक निजी इनबॉक्स में। इसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह गाइस CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बाद कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है। तो यह मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को जो है मेन बोर्ड, कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहा जाता है। इसके बाद विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है।
तो यह गाइस कंप्यूटर शिक्षा से जो विद्यावाहिनी परियोजना है एक कंप्यूटर शिक्षा से ये संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस 2 दिसंबर को जो है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना या इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन को रीड करना एंड इंटरप्रेस और उनको प्रोसेस करना है। और भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो यह गाइस केरल का मल्लपुरम। मल्लपुरम जो है केरल का एक जिला है जो भारत का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला या कंप्यूटर साक्षर जिला कहा जाता है। इसके बाद साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है। तो जो साइबर लॉ की शब्दावली यानी उसमें DOS का जो मीनिंग है वह है डिनायल ऑफ सर्विस। इसके बाद पहला इंटरनेट अस्तित्व में कब आया? तो ये गाइस 1968 में, 1968 में पहली बार इंटरनेट अस्तित्व में आया था। इसके बाद माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया गया है। इसके बाद कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र में अनाधिकृत अभिगमन से। तो जो कंप्यूटर में पासवर्ड किसकी सुरक्षा करता है गाइस? तो जो तंत्र में अनाधिकृत अधिगमन से। इसके बाद वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेसर या CPU कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमारा क्वेश्चन गाइस। इसके बाद कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियों को जो प्रदर्शित करता है उसे बग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर को विकसित करने वाली एक संस्था है। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक कंप्यूटर प्रोग्राम शब्द का भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्काई ड्राइव किस कंपनी से संबंधित है या क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से संबंधित है। वर्ष 1921 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था तो यह इंटरनेट। तो वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के को तैयार किया गया था। तो गाइज ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आई होप दैट आपको बहुत ही ज़्यादा ये आपको यूज़फुल होंगे और ये आपके समझ में भी आएंगे अच्छी तरह से। तो ये पार्ट हमारा 1 था गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।